आप लोगों को बैटलिंग नवंबर इजी इतने सारे फेस्टिवल्स एंड मैरिजेस एंड सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इतना के चालू रहता है मतलब अगस्त से फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड इस बार तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही गेम uh, हो रहा है नवंबर वालों के साथ दिवाली इज राइट इन बिटवीन योर एग्जाम्स अगर आप ग्रुप वन दे रहे हो तो फिर भी ठीक है ग्रुप टू वालों को तो और स्पेशल uh, ट्रीटमेंट मिलना चाहिए इंस्टीट्यूट की तरफ से पहला तो नवंबर स्टूडेंट्स के लिए पेपर इंस्टीट्यूट को इजी निकालना चाहिए और तीन चार मार्क एक्स्ट्रा उनको देना चाहिए हर पेपर में फॉर द करेज दैट दे आर शोइंग बाय सेक्रीफाइसिंग सो मेनी थिंग्स इतने सारे फेस्टिवल्स uh, इतने सारे मीटिंग्स uh, फैमिली को लोग सैक्रीफाइस कर रहे हैं एंड फाइनली दे आर गोइंग टू गिव दिस अटेम सो ऑलरेडी अपने आप को यू कैन पैट ऑन योर बैक आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गाइज एंड बस ऐसे ही अपने आप को और पंद्रह दिन के लिए सेक्रीफाइस के लिए रेडी हो जाओ एंड आई एम श्योर यूल सेल थ्रू कुछ चार पांच चीजें जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि एक तो सबसे पहला चीज जो इंस्टीट्यूट को बोलना चाहता हूँ यार इनको चार पांच मार्क एक्स्ट्रा दे दो पर पेपर में नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं यार तीन चार महीना कितना ये लोग ने सब चीजों को छोड़ा है यार मानते हो कि नहीं यू टेल मी इन द कमेंट्स आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ हाउ मेनी मार्क्स पर पेपर शुड इंस्टीट्यूट गिव टू नवंबर स्टूडेंट्स ठीक है सो so, और जेन्यून मतलब ऐसा भी नहीं कि सर एग्जामिशन दिलवा दो ट्वेंटी मार्क्स ऐसा नहीं लॉजिकली जो आपको लगता है वो दे दो अपन एक पी आई एल इंस्टीट्यूट के खिलाफ इज uh, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है ये पांच चीजें इन जनरल जो एक स्टूडेंट को ध्यान में रखना चाहिए फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज फर्स्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉस वो एक मोमेंटम सेट करता है एंड वेल well. जितना अच्छा नींद लोगे ना बिकॉज बहुत टाइम से अपनी अच्छी तरह से नींद नहीं हुई है ना सो प्लीज स्लीप वेल जितना अच्छी तरह से नींद लोगे फ्रेश उठोगे यू विल एबल टू अपियर इन द बेस्ट मैनर बिकॉज उसके बाद आने वाले जितने दस दिन पंद्रह दिन है वो नींद उड़ जाती है कहीं ना कहीं सो so, यहाँ पे एटलीस्ट अपन स्टार्ट करें ताकि खींचना है अभी अपने को आगे एंड विल बी एबल टू डू इट इन अ प्रॉपर मैनर अटैम्प्ट हंड्रेड मार्क्स ये मैं हर अटैम्प में बोलता हूं प्लीज हंड्रेड मार्क्स अटेंट करो यार इंस्टीट्यूट के भरोसे पर मत बेटर होगी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन है तो मैं अटेंट ही क्या करूं नहीं प्लीज डू नॉट लीव एनी इवन अ सिंगल मार्क काउंट एंड अपन ने कितनी बार देखा हुआ है एड्स अपट वी आर लुकिंग फॉर एट टाइम सो अटेपी मार्क कुछ चीजें आती होगी कुछ चीजें नहीं आएगी सी का एग्जाम है यार ऊपर नीचे होते रहेगा सो दैट्स व्हाट उसको सबको ध्यान में रखते हुए जितना हो सकता है लॉजिकली कॉमन सेंस से जो चीजें नहीं आती है जो चीजें आती है उसको एकदम शिद्दत एंड डिसिप्लिन से प्रॉपरली एंड डू योर बेस्ट पेपर इज सेम फॉर एवरी पेपर डिफिकल्ट आएगा तो इतना एकदम एक्साइट होने का जरूरत नहीं है और मेरे अटैम्प में पेपर डिफिकल्ट आता है सीए का एग्जाम है पेपर डिफिकल्ट तो आएगा ना दीदी सो एटलीस्ट आठ में से दो तीन पेपर तो आते ही है ऐसे विच आर आउट ऑफ द ब्लॉक्स विच शुड भी तभी तो हक से बोल सकते हैं ना यार चार्ट अकाउंटेंट है बॉस ऐसा डिफिकल्ट पेपर देख के हमने अपने नाम के आगे ये प्रीफिक्स लगाए सो लेट इट बी वॉट इट इज आप देखना बंद कर दोगे व्यू जीरो हो जाएंगे हम प्रोफेसर भी वो बनाना बंद बन कर देंगे बट ठीक है ये कैट एंडस गेम है तो इसके ऊपर चर्चा फिर कभी करेंगे एंड स्टे काम कीप स्माइलिंग वो पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होगी आपके पेपर में ठीक है सो so, मेक योर ओन स्टोरी ट्रस्ट मी वेन आई गेव माई एग्जामिनेशन आई हैड माई ओन स्टोरी कुछ पेपर मेरे एक दो ऊपर नीचे हो गए थे थोड़ा एक मैं नींद ऊपर नीचे हो गया था बट स्टिल ऑल all, ऑल क्लियर द एग्जामिनेशन वैसे ही आपकी कुछ स्टोरी होगी यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ऐसा मत बोलना हुआ है ना मेरे साथ उसमें भी मैं करके दिखाऊंगा करके दिखाऊंगी शुड बी द एटीट्यूड टाइम फॉर मीड उ एग्जाम्स अच्छी तरह से लिखना Uh, कल ऑबियसली फर्स्ट डे है आपका तो सेंटर पे टाइम वही पे पहुंच जाना यार बिकॉज uh, पता नहीं होता है कहां कहां पे है एंड नो जस्ट बस बी अवेयर ऑफ द 15 मिनट्स यूटिलाइज इट प्रॉपरली एंड आने वाले दिनों में एस एफ एम एंड एस सी एम पी के मैराथॉन्स के लिए मैं मिलता हूं आपको टेक केयर कीप स्माइलिंग बाय ऑल द वेरी बेस्ट बेस्ट ऑफ लक जान लगा के आना थैंक यू